अभी तक की जो मॉडिफिकेशन है ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में हेल्प मी आउट, ये मॉडिफिकेशन कैसे करें। क्या हाल है? ओके ओके, मैं बढ़िया एकदम। क्या पापा, आप लेह लद्दाख की राइड करोगे हमारे साथ, ये बताओ। मैं ना बहुत शौक हूँ कि भाई हर्ष ने हाईवे पे चला लिया है। राजू भाई अलग धीरे माया सब पूरी। हम लोग ये सोच रहे गाइस कि हमारा पूरा ग्रुप मिल करके ना क्यों ना लद्दाख चला जाए सारी बाइक लेकर के। So, hey guys, good evening, welcome back to the new episode, guys. स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। ये इंसान अपने भव्या प्लाट कब अपने घर में कब अपने घर में कब अच्छा ठीक है, आज तो मेरा तेरा वाली बात हो ही गई। कोई नहीं, लास्ट व्लॉग में तो उसका रिश्ता दिखाई दिया था गाइस हम लोगों ने। लड़का भी दिखाओ ना, फिर लड़का मेरे को भी दिखा दो। बहुत टाइम मत करना सच्ची में, मैं तो ब्लर कर दूंगा उसे सेंट्री को करके। सच्ची बता रहा हूं, मैं उसे सेंट्री को गाइस ये देखो हर्ष को, ओ कपड़े खराब क्यों, और ये देखो गाइस ये देखो। गाइस सब लोग ना फ्लैट पर तैयार हो रहे हैं अब, बिकॉज अभी हम लोगों ने इंस्टाग्राम में पोस्ट डाली थी कि हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, हम लोग कहाँ का प्लान कर रहे हैं मेरी जान, लद्दाख। हम लोग ये सोच रहे गाइस कि हमारा पूरा ग्रुप मिल करके ना क्यों ना लद्दाख चला जाए सारी बाइकें लेकर के। तो हम लोगों ने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाली कि क्या आप मोटर व्लॉग सीरीज देखना पसंद करोगे, बहुत टाइम हो गया था कोई राइड पर भी नहीं गए थे। बट इस बारी जो लद्दाख की राइड होने वाली है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, बिकॉज हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम अपनी सारी बाइक लेकर के जाएं। मैं जाऊंगा डुकाटी पे गाइस। भव्या तुम जीना से चला लोगी बहन? अरे हम फोर व्हीलर तो ले जानी पड़ेगी। फोर व्हीलर तो ले जानी पड़ेगी, ठीक है। मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगी। मेरे पीछे नहीं बैठ सकते भाई। गाइस हम लोग ये प्लान कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लेट मी नो क्या बोलते हो लद्दाख राइड, और फिर हम लोग लद्दाख राइड करने निकल जाएंगे। दुबई का सीन भी बन रहा है गाइस, बट मेरा ना ये राइड करने का बहुत मन है। सो कमेंट सेक्शन में लेट मी नो। फिलहाल गाइस मेरे एंड से तो ऑलमोस्ट लद्दाख फाइनल हो रहा है, एंड उसके लिए ना गाइस डुकाटी और जीना हंड्रेड एक ऐसी बाइक है जिनमें भी मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। सो मैं आज मॉडिफिकेशन के जा रहे रोहिला भैया के पास। डुकाटी की जो मॉडिफिकेशन है वो इतनी सेक्सी होने वाली है ना, सो फटाफट घर चलते गाइस। हर्ष और मैं, भव्या, रितिका सब जा रहे हैं प्रेमनगर रोहिला भैया के पास बाइक कस्टम कराने के लिए। निकलते नीचे और चलते सीधा। बॉयज हम लोग जस्ट नीचे ही आए थे, एंड वी हैव गॉट रॉक भाई हियर विद अस फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हेलो भाई, जिन्हें पता उन्हें पता गाइस सांचे नुंचा। हां जी सांचे। और बताओ क्या बोल सकते हैं हम लोग, और क्या बताओ। नेपाल हमरो दाजु भाई अलग धीरे माया छ पुनी। गाइस मैं आया था बाबू भाई से मिलने के लिए, पूरा कोड़ोलो कलोरो रास्ता को तय करके फाइनली मिल गए हैं। एंड गाइस रॉक हमारे लिए एक चीज लेकर के आ रखा है। भैया ना वीडियो में देखा तो थोड़ा बहुत बीमार लग रहे थे, तो थोड़ा सा ये लीजिएगा, थोड़ा पावर आ जाएगा भैया। थैंक यू। ये स्ट्रेट फ्रॉम कहां से खरीदा, वेस्ट बंगाल? यहीं से खरीदा। देखने कैसे लाएंगे गाइस, चेक दिस निंजा। एंड हम लोग भी लद्दाख प्लान कर रहे हैं। तुम लोग लद्दाख जा रहे हो कि क्या कर रहे हो? पहले केदारनाथ, स्पीति, मनाली, सोलो। सोलो करना बहुत मुश्किल है गाइस, होप ही डज वेल। फिलहाल बाकी लोगों को बुलाते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइस हम लोग ना फ्लाइट से निकल चुके थे, और अभी फ्लाइट से निकलते ही ना हर्ष और मेरी बातचीत चल रही थी। हम लोग तो अपनी राइड प्लान कर ही रहे हैं, क्या बोलते हैं हर्ष, पिताजी को भी ले लें। सोच, पापा ने हमारे साथ आखिरी राइड करी थी 2 साल पहले लद्दाख वाली राइड, एंड अभी ना आजकल पापा की छुट्टियां हो ही रखी हैं गाइस स्कूल कॉलेजेस की। सो घर बस पहुंच ही रहे हैं, एंड पापा से पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अगर पापा चलने को रेडी हो जाएंगे गाइस फिर तो क्या सीरीज निकलेगी भाई साहब। तो बस मैं यही होप कर रहा हूँ गाइस घर जा करके ना बस पापा हाँ बोल दे कि चलते हैं लद्दाख राइड पर। एक्चुअली एक सबसे बड़ा दिक्कत वो है कि पापा की ना तबीयत खराब रहती है, अगर बाय चांस पापा चले ना गाइस तो फिर हम लोग हाई लेग्स लेकर के जाएंगे। एंड एक फोर व्हीलर में रहते हैं कि अगर पापा की तबीयत हल्की फुल्की भी बिगड़ी तो उन्हें आराम से फोर व्हीलर में शिफ्ट कर सकते हैं, एंड बाइक पीछे उनकी लोड हो जाएगी तो कोई दिक्कत देने वाला सीन ही नहीं है। सो नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन पिताजी की भाई पापा क्या बोल रहे हैं। सो चलते घर यार, पूछते पिताजी से। ओके बॉयज घर पहुंच चुके हैं हम लोग। ये चेक करो हमारे दो गार्डनर, इनका काम केवल ये घर में गाइस इतनी हरियाली देख रहे हो ना, क्या मैं वही तो बोल रहा हूँ, जितनी हरियाली इस घर में दिख रहे हो ना गाइस ये सारे लोग ये संभाल रहे हैं। हैंगिंग गार्डन से पापा, ये हैंगिंग गार्डन नहीं, ये स्टैक गार्डन से पापा। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, गार्डन तो गार्डन है। अभी देखना इनकी शूटिंग करना सितंबर अक्टूबर में, क्या क्या शूट करना है इसमें, जब फूल खिलेंगे इनके, जब सुबह उठो तब देखो ये फूल कैसे खिलते हैं। पूरा जो है पूरा छत जो है हरी लाल कितने पीले सफेद टॉपिक हम लोग घर वालों से पूछने हैं कि क्या पापा आप ले लद्दाख की राइड करोगे हमारे साथ, ये बताओ। नहीं,
मेरा तो दूसरा काम चलता है अब। हम काम भी और तबियत तबियत तो ऐसे निकाल देते हैं हम लोग, लेकिन फिर 19 तारीख मेरा जो है डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। 19 के बाद नहीं नहीं भाई, ड्यूटी नहीं भेजते तुम्हारा क्या है, तुम 4 बजे चलोगे पापा? वही टाइमिंग है आजकल, तो तबियत खराब हो रही तो लेट व्लॉग्स ना बहुत लेट शुरू हो रहे हैं। आज हमने प्लान बनाया, तेरी मम्मी और मैं जाएंगे। कहाँ जाओगे? लद्दाख। हम जहाँ भी जाएंगे तुम एक महीने घर में रुको, ब्लॉग जा रहे हैं हम अभी, जब जाएंगे तो तुम्हें बताएंगे, अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, उसको बताएंगे जब जाएंगे बताते। मैं तो बता के जाता हूँ गाइस जब भी घर से, मैं तो आता हूँ, मैंने कहा ठीक है ओके गाइस मैं वहाँ जा रहा हूँ, जालू तो घर वाले बोलते ओके जालू तो चले जाते गाइस। सो प्लान ये बन, ऐसा करते हैं। हाँ बताओ। हम दोनों जाते हैं और तुम एक महीने घर में रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ घर में बस। पापा इस घर में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब आपके फूल सब खत्म हो जाएंगे। बताओ फूल तो छोड़ो, वो दो बच्चे हैं जो नीचे वो हो जाएंगे। मैं तो सोच रहा था मम्मी पापा को लेके जाता हूँ लद्दाख राइड, क्या मजा आएगा। हम क्यों इस बार हम लोग लद्दाख की राइड मम्मी ना सारी बाइक्स पे कर रहे हैं, मतलब हम लोग अभी तक गाड़ी लेके जा रहे थे बट मेन स्ट्रीम हम लोग सारी बाइक लेकर के जा रहे हैं लद्दाख। सोचो हर्ष कौन सी गाड़ी चलाएगा? हर्ष तो हाइट के अनुसार ही देनी पड़ेगी। हर चलाएगा पापा Z900, मैं चलाऊंगा BMW। भव्या कौन सी गाड़ी चलाएगी? हम लेंगे हायबुजा। हर्ष को तो मेरी वाली वो दे दे एवेंजर दे दे, वो ठीक है, हर्ष का वजन भी कम है और एवेंजर दे दे। गाइस चला लेगा, भरोसा था। फिलहाल अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं प्रेमनगर गाइस, बिकॉज बाइक की मॉडिफिकेशन का काम कराना है, इवन Z900 में एग्जॉस्ट भी लगाना है। तो अभी ना मेरे को टेस्ट भी करके देखना है कि हर्ष क्या बाइक चला पा रहे, नहीं चला पा रहे। गाइस हर्ष जी से, हर्ष पापा बोल रहे हैं कि तू पापा वाली बाइक लेके चले जा। कौन? पैर पूर्ण मैं एवेंजर, तू वो नहीं चला पाएगा Z900। नहीं नहीं, चलाने को तो मैं भी चला दूंगा लेकिन जब रुकना पड़ेगा ना जहाँ पर, वहाँ पर वो ना वहाँ पर गिरेंगी तो गाइस। खुशबू नहीं आ रही है झट से बहुत गाइस? मेरा चेन की खुशबू नहीं आई पापा? मेरा ना एक परफ्यूम है 17,000 रुपए का, वो हर्ष और भव्या ही डाल के घूमते रहते गाइस फ्लैट पर, मैं तो डालता भी नहीं। तो घर मत जाने दे हमें। हाँ पापा यही तो मैंने बोला, मैं घर जा रहा हूँ फिर आता हूँ। नहीं घर नहीं जाना। भेजते क्यों है, कैसे लोगों को भेजते हैं कंपनी वाले पर क्यों? जिनसे बदबू आती है और क्या। पापा खरीदा है मैंने वो। ओके बॉयज, सबसे पहला टेस्ट हो रहा है हर्ष के साथ कि क्या वो Z900 उठा भी पा रहे नहीं पा रहे। कहीं पता लगा हम लोग निकल तो गए राइड पर और कहीं गड्ढा गुड्ढा आया। भाई ऐसे उठाना, खुद उठाएगा तो तूने चलानी, उठा चाबी ना। हाँ पैर पहुंच रहे हर्ष देख। अरे उसमें है ना। उठा बता, पैर पहुंच रहे सच्ची में? पीछे लगेज वो भी तो रहेगा ना। हाँ लगेज भी रहेगा, देख अभी इतनी नीचे जाएगी कम से कम। पैर पहुंच रहे ना, जब इतने पैर पहुंच रहे। हाँ सही है, चला लेगा। कोल्ड स्टार्ट कर दे उसे। हो गया गाइस हमारा चीता रेडी, बस टेंशन पता कहाँ पर है? टेंशन है संभालने पे, मतलब इस साइड उस साइड देख, संभाल। गियर में मत डालियो हर्ष एकदम, संभाल। तो तभी तो पैर पकड़ेगा, संभाल ले रहा है। पकड़ लूंगा, वो भी ढलान में भी है ना, नीचे वो ऊंचा है। भाई तो लद्दाख में ढलान ही ढलान है, मतलब वो भी स्लोप है ना। सो बॉयज हम लोग घर पहुंचे थे और रॉक खा रहे हैं, मस्त खा रहा। मम्मी के हाथ का राजमा चावल बहुत बेस्ट रहता है, एकदम मीठा। एंड द थिंग इज गाइस हम लोगों को प्रेमनगर निकलना है, सो मिलते हैं रॉक भाई। अभी कुछ भी उत्तराखंड में कोई दिक्कत हो तो कॉल करना, हमसे खाने को ना खाओ कुछ भी, चलो घर वाले घर पे ही है। एक्चुअली गाइस हम लोगों को प्रेमनगर निकलना है, बहुत ज्यादा दूर, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का सफर है। फिर वहाँ पहुँचते रात हो जाएगी, रात को हम लोग गाड़ी नहीं चलाना चाहते, सो निकलते हम लोग। पापा एक बार फिर से सोच, लद्दाख जाना नहीं जाना है ना? मैं तो बोल रहा हूँ लद्दाख जा रहा तो मैं चल जाऊँ, पर मेरी बाइक तो ये ले जा रहा है हर्ष। तू पापा की बाइक लेके जा सकता है लेकिन क्यों? अगर Z900 पे नहीं तो Z900 नहीं ले जानी, Z900 भी लेके जानी, मतलब वो अकेले पिछली बार तो उसने दो ढोए थे, मतलब ठीक है और एवरेज भी ठीक है उसका। एवेंजर हाँ मेरे को लगा रहा नई वाली बोल रहे हैं, मेरे को लगा नई वाली बोल रहे पापा सच्ची। मैं तो सबसे एवेंजर बोल रहा। बताओ एवेंजर पे आप दोनों? नहीं भाई नहीं। हाँ पापा का सियास के साथ गीला थप्पड़ मारा पापा ने तेरा, गीला थप्पड़ गाइस। हर्ष खुश हो गया, बोल रहे पापा ने नई सुपर बाइक। एक कॉन्फिडेंस वाली बात है कि वो एक बार जा रखी है बाइक, वो बाइक एक बार जा रखी है, हो गया फिर एवेंजर खुश हो रहा कि पापा की नई बल्कन 650 लेकर के जाऊंगा, वहाँ खुश हो रहा गाइस। सर अपनी नई बाइक ना तो दूंगा किसी को ना किसी की लूंगा, वो खुश हो रहा था ना, वो खुश हो रहा था। इसके दिमाग में क्या था? बोल रहा है बल्कन ले, बल्कन नहीं दूंगा किसी को। कोई बात नहीं मेरे भाई, मेरी बाइक चला लियो Z900, मेरी भी तो तेरी बाइक है। अगली राइड ये बात है कि पक्का मेरी और तेरी मम्मी की होगी और बाइक भी नई होगी। डन। सो गाइस फिलहाल वी आर गेटिंग लेट, हम लोग निकलते हैं फटाफट घर से। लेट्स गो गाइस, Ducati की मॉडिफिकेशन आज से फाइनली शुरू हो जाएंगी। भाई कितनी गंदी हो रखी है। एक्चुअली पता क्या सीन है देहरादून में ना, सॉरी सदी जी,
एक्चुअली गाइस देहरादून में ना बारिश बुरिश का सीन चलता है, तो उस वजह से गंदी हो जाती है। हर्ष निकाल लेगा पक्का भाई, देख ले ये लद्दाख सीरीज तेरे पे और भव्या पे। अब तुम दोनों ने गाड़ी चलानी है, स्टार्ट करो सीधा बाहर निकाल। हे भगवान, बस हर्ष संभाल ले चीज़ें, एक्सेलरेशन कंट्रोल ना, सुपर सेगमेंट है कंट्रोल, सीधा ले क्या, बढ़िया बढ़िया, बस पैर देख। हमेशा ना सुपर बाइक्स पे ना दोनों साइड वेट नहीं गिराना होता, एक ही साइड वेट गिरा, वो वाला पैर छोड़, वाला पैर छोड़, हाँ ये वाला पैर पूरा नीचे, अब समझ रहे, हमेशा राइट साइड झुका के रखियो। मुझे मत झुका, हाँ मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू वाला पैर देख, फिर वाला पैर, हर्ष वाला झुका रखा है, उठा रखा है, हाँ वो वाला पैर रखना ही नहीं है ना नीचे, वाला पैर हमेशा ब्रेक पे, एक साइड बैलेंस तो रखना ही नहीं है, हाँ ये नीचे, हाँ उधर ही रखियो, समझ रहे, संभाल पाएगा ना, संभाल पा रहे ना। सतीजी बैठना एक सेकंड, इसके पीछे बैठना, इसके पीछे, तो अबे तभी तो नीचे होगा, डुकाटी में तो सीट ही नहीं है भाई साहब, आप चलाओ, आप लंबे हैं, नहीं बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, अरे एकदम नीचे भी आ जाएगी, बैठो सतीश जी इसके पे, जब आर्मी का आदमी, जब आर्मी का आदमी कॉन्फिडेंस पे कंट्रोल लेना, आर्मी का आदमी, लेट्स गो गाइस। एक्चुअली गाइस हर्ष के लिए तो एकदम नया सेगमेंट है सुपर स्पोर्ट्स, मैं निकाल चुका हूँ डुकाटी, इसका स्टैंड ऊपर करते हैं। ओके बॉयज निकल चुके हम लोग, बस मुझे हर्ष की टेंशन है कि हर्ष बाइक संभाल ले। डुकाटी पे तो यार क्रेजी रोड रिएक्शन है, वो मज़ा भी आता है। आई होप गाइस कि हर्ष ना चला ले, बिकॉज मुझे उसी की टेंशन है, बट अभी तक तो सही खींच रहा है भाई, बल्ले बल्ले, सुपर प्राउड ऑफ यू माई बॉय, क्योंकि आज ना ये करवाना बहुत ज़रूरी है। लद्दाख राइड इज़ गोना बी टफ, वे मोर टफर देन दिस। एंड पता है दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है ट्रैफिक में, जब आप ट्रैफिक में निकल रहे हो तो, जैसे हाईवे में तो कोई इशू है ही नहीं गाड़ी चलाने का, जब आप ट्रैफिक में हो तो फिर आपको ना सारी चीज़ें देख करके चलनी पड़ती हैं। एंड अब तो मोटर व्लॉग्स बहुत मेन स्ट्रीम आएंगे गाइस, बट सही चला रहे भाई बॉयज। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे, एंड मैं ना बहुत शौक हूँ कि भाई हर्ष ने हाईवे पे चला लिया है, अभी ये पहला परीक्षा तो पास कर चुका है, अब दूसरी परीक्षा पास करनी है गाइस भव्या ने, बिकॉज आई थिंक गाइस भव्या ने हायाबुसा लेकर के जानी है, तो एक दिन ना उससे भी बाइक चलवानी है, सो उसको भी ना मैं रोहिला भैया के पास लेकर के चला जाऊँगा, तो आज हायाबुसा का रैप हल्का सा ठीक करवाना है हम लोगों ने। एंड अब ना यहाँ पर दिक्कतें आएंगी, ये गेटिंग पॉइंट, जब ट्रैफिक में ऐसे खड़े रहते हैं ना तो यहाँ पर इशूज़ आते हैं यार। आई होप बस गाइस सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए, एंड अब सोचो क्या मज़ा आएगा गाइस, हमारी चार पाँच सुपर बाइक जब जा रही होंगी ना रोड पर, तो क्रेजी रिस्पॉन्स रहेगा, क्रेजी गाइस। हम लोग ना इंटरकॉम कनेक्ट कर रहे थे, इंटरकॉम कनेक्ट हो रहा था, बट फिर वो ना माइक पकड़ रहा था तो बीच में आवाज़ दे रहा था, बट ड्रैग इज ऑन, इसी को कैसे बिठा रखा है इसने भाई। एटलीस्ट हाईवे पे हम लोगों को 120 100 तो रखनी पड़ेगी गाइस डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचने के लिए, बट सतीश जी बाइक पर नहीं बैठ पाएंगे, सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि हम लोग एक हाईलेक्स भी लेके चले जाएंगे। बाकी ड्रॉप मी अ सजेशन इन कमेंट सेक्शन कि एक फोर व्हीलर तो जानी चाहिए, ताकि सामान सामान किसी की बाइक पर लोड ना हो, सीधा हाईलेक्स पर सामान लोड कराओ निकल गए। देखो भाई हर्ष भैया जी नौ से चला रहे हैं, अरे ओ भाई आ जाओ, क्या हाल है, ओके ओके मैं बढ़िया एकदम, थैंक यू, बहुत टाइम से फॉलो कर रही होंगे ना मेरे को, क्या हाल है, कैसे, शुक्रिया भाई, ओ भाई डाल दो गाइस, ये चेक करो हर्ष के पीछे दोनों भाई बहन। ओके बॉयज इतनी गर्मी हो रही थी कि मैंने तो डुकाटी छोड़ दी, और हमने मंगाए गोलगप्पे और आइसक्रीम गाइस, बहुत भयंकर सीन है गाइस डुकाटी के साथ, मेरा तो पैर जल गया पता है, देखिए 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 दिख रहे हैं काला काला भाई, पूरा पैर लग गया, बाकी जीनों से सही चल रही है, मस्त लग रही है,
क्या बोलते नाली में मत गिर चाहिए। रास्ते में बाइक चला रहा था, मैंने कहा भाई तू नाली नूली में मत गिरी, मेरे को बहुत टेंशन थी गाइस इसकी। फिलहाल अभी गोलगप्पे खाते हैं और फिर निकलते रहो। भैया क्या भव्य और रितिका तो निकल चुके गाइस, उनके पास कार थी तो बहुत ट्रैफिक है, हम लोग बाइकों से निकल ही जाएंगे। फिलहाल बाइक बाहर ठंडी हो रही है, तब तक हम खुद को ठंडा करते हैं। गाइस गोलगप्पे खा करके हम लोग निकल गए थे। एंड द थिंग इज देहरादून का मौसम एकदम खतरनाक वाला हो चुका है, यहाँ पर हो रही है एकदम तूफान। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट प्रेमनगर रोहिला भैया के पास। हम लोग प्रेमनगर चौक से लेफ्ट से एंटर कर रहे हैं, बट गाइस डुकाटी बहुत खतरनाक है सिटी में चलाने के लिए, पैर इतने चल चुके हैं ना, कुछ ना कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा इसका भाई। सो गाइस पैर चला करके पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी फेवरेट शॉप पे, रोहिला भैया इज देयर। रोहिला भैया आप गजनी क्यों बने हुए? भैया 15 मिनट बाद हमारा रैप तो नहीं भूल जाओगे ना? सारा तोड़फोड़ कल्पना। बट द थिंग इज गाइस हर्षना जितनी अच्छी गाड़ी चलाई है ना, और इसके आंख में इन्फेक्शन भी हो गया। वो सच्ची में इन्फेक्शन हो गया, कोई बात नहीं, अभी तो धूल मिट्टी कीड़े मकोड़े जब जाते हैं ना तब पता लगेगा। वो तो बहुत मजा आ रहा है, इससे पता ही नहीं आगे वाला ब्रेक मार रहे हैं। मैं कहीं कहीं पर रुकने का वाले भी दार गए इससे टडिस के वो कह रहा क्या हो गया, इस आगे लगा ना क्या हो गया, मैं ऐसे मुड़ रहा था तो सही है गाइस यहां पर लेके आ गया। वो तो चला ली इसने बाइक, बट फिलहाल द थिंग इज गाइस चेक दिस आउट, रोहिला भैया डिजाइन कर रहे हैं हमारा Ducati के स्टिकर्स, बिकॉज Ducati जाएगी लद्दाख के ट्रिप पे, आने उस पर कस्टम होना तो जरूरी है गाइस। ये चेक करो, ये रहे इसके ओरिजिनल स्टिकर्स। ये Ducati पहने वाले पहले से ना भैया? हाँ ये तो पहले। हाँ तो हम लोग दागा डालेंगे इस पे, इसमें यहाँ डाल दो ना छोटा करके, दागी तो हमें इतना वो नहीं है ना। हाँ गाइस Ducati लग चुकी है मॉड के लिए, एंड रोहिला भैया ने हमारा पहला आउटलेट भी काट दिया है UK07 राइडर का। एंड द थिंग इज इस पे ना कोटिंग हो रखी है ऑलरेडी, तो लुक एट द साइन क्या मस्त लग रही है। हम लोग दाग यहाँ पर करा रहे हैं, UK07 यहाँ पर कराएंगे और राइडर नीचे। तो बेसिकली ये पता लग जाएगा कि हमारी बाइक है, और आगे से जो हम लोग इस पर मॉड करवा रहे हैं ना, ट्रस्ट मी गाइस बहुत सेक्सी होने वाली है इसकी मॉड्स। हम लोग बेसिक कलर नहीं छिड़वा रहे, Ducati रेड में ही सब लोगों को पता है तो रेड में ही रख रहे हैं। बाकी चेक करो गाइस कैसी लग रही है। तो गाइस रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12, एंड चेक दिस आउट फाइनली गाइस Ducati की मेजर मॉडिफिकेशन हो चुकी है कंप्लीट। को ना साइड से दिखाता हूं गाइस जो हम लोगों ने साइड से मॉडिफाई करी है, ये चेक करो बॉयज, ये जो हम लोगों ने ग्राफिक डिजाइन करे ना, ये एकदम मस्त लग रहे हैं। एंड द थिंग इज गाइस आज ना ये पूरा काम कंप्लीट नहीं हो पाया, हम लोग सोच रहे थे आज कंप्लीट हो जाएगा, बट मेजर थीम ना UK07 की आज जा चुकी है। सबसे मुश्किल पार्ट ना ये द UK07 राइडर लिखवाना होता है, इसके बाद जो भी आउटलाइन होती है ना वो आराम से कंप्लीट हो जाती है। फिलहाल ऑलरेडी गाइस 12 बज चुके हैं, तो आज के लिए हम लोग वाला काम ही पर छोड़ रहे हैं, एंड बाकी काम हम लोग कल दिन में करेंगे। बाइक रोहिला भाई आपके पास छोड़ देते हैं, ये तो एक घंटे का काम है। हम जब तक यहाँ पर पहुंचेंगे तब तक रोहिला भैया करवा भी देंगे। तो चेक दिस आउट गाइस साइड से तो कंप्लीट हो गया था, इसके बाद सामने से चेक करो, हमने ना इस बाइक का नाम दिया गाइस L। एल जिन्हें पता है उन्हें पता है गाइज, स्ट्रेंजर थिंग में एक कैरेक्टर थी जिसका नाम 11 था, उसका शॉर्ट नेम ना एल था, तो हम लोगों ने इसका नाम एल ही रखा है बिकॉज ये सामने से बहुत एग्रेसिव है। जब गाइज ये इसकी लाइट ऑन होंगी ना तो ये वाले जो ग्राफिक और ये वाले जो ग्राफिक हम लोगों ने करवाए ना वो बहुत सुंदर लगेंगे। ये चेक करो बॉयज मस्त लग रही है ना, आगे से तो सेक्सी लग रही है, भयंकर है ना। तो बॉयज हम लोगों ने ना इसकी साइड फेयरिंग वाला काम करा लिया, बट व्हाट आई फील लाइक कि ना यहाँ से तो कम्प्लीट हो चुकी है, बट यहाँ से ना फिर भी ब्लैंक लग रही है। आई रियली डोंट वॉन्ट कि मैं इस पर ज़्यादा कुछ कराऊँ, बिकॉज पता है क्या ये ना बहुत सॉलिड कलर है और इस पर हम लोग कुछ भी कराएंगे तो बहुत ऑफ लगेगा, बट ये बहुत खाली भी लग रही है। तो अभी तक की जो मॉडिफिकेशन है ना, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में हेल्प मी आउट कि ये मॉडिफिकेशन कैसी लग रही है। एंड कॉमेंट सेक्शन में एज यू ऑलरेडी नो हमेशा आई हैव ऑलवेज टेकन ए सजेशन इन, सो प्लीज़ मेरे को बताना कि हम लोग और कुछ क्या करा सकते हैं, और जितने भी अच्छे कमेंट होंगे आई विल डेफिनेटली रीड आउट। बट चेक दिस आउट, सही तो लग रही है अर्चना, ये वाला जो थीम है ना ये कंप्लीट हो गया, पता लग जाएगा लोगों को कि बाबू भैया की बाइक है। फिलहाल के लिए गाइस आज हम अपनी Ducati यहाँ पर छोड़ रहे हैं, फिर कल हम लोग दिन में से लेने के लिए आएंगे। फटाफट से रोहिला भैया के घर छोड़ते हैं और फिर चलते हैं। गाइस हम लोग पहुंच चुके थे रोहिला भैया के घर, Ducati हम लोग यहाँ पर छोड़ रहे हैं और Z900 भी यहाँ पर छोड़ रहे हैं। गाइस आज Ducati का काम हुआ है, कल Z900 का भी काम शुरू हो जाएगा, एंड आई होप 2-3 दिन में हम लोग ये काम खत्म कर लें, फिर तो लद्दाख राइडर्स ऑन। आई नो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे, सो फिलहाल के लिए बाय बाय कह रहे हैं और चलते हैं गाइस। ये चेक करो रेडियन चिप चमक रहा है गाइस L। ओके गाइस तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपने फ्लैट पर, और ये चेक करो मास्टर शेफ हर्ष क्या बना रहे हो सर आप? आज बना रहे हैं चटनी।
ये चटनी बन रही है क्या, मुझे क्या पता, जो भी बना रहा हूँ बनाने दे, पेट भरना है मुझे बस, इसमें सब्जी नहीं पूरी डलेगी, जो सब्जी होती है प्याज टमाटर खा रहे हैं। हम लोग ना वो लड़कों वाली बैचलर लाइफ जी रहे भाई, सच्ची में। भव्या, मैं, हर्ष, भव्या भी हमारा लौंडा ही है गाइस। हर्ष तो जिस दिन से मैंने फ्लैट लिया ना, एक दिन अपने घर नहीं गया। मत बोलो, दोनों एक जैसे हो रहे हैं। तो घर रह रह भी जाते हो? आप दोनों बोल रहे हो क्या? हम दोनों, हाँ तो हम दोनों भाई भाई हैं। हर्ष जिंदगी के बारे में ब्रदरहुड, धोखा नहीं देना एक दूसरे को। छाती पे गोली खाऊंगा तेरे लिए, समझ रहे ना, छाती पे गोली खाऊंगा तेरे लिए, कुछ भी हो जाए। नहीं, मेरे लिए 100 साल जी लेना, मिलते।